तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है सबका। आज हम बनाने जा रहे वाले हैं बाबा अवतार सिंह जी, जो पंजाब में सुरसिंह गांव में रहते हैं, अमृतसर के पास ही है। और इनका आज हम स्केच बनाएंगे। बहुत सारे लोग कह रहे थे भी भाई इनका स्केच बना के दो, हमारे इलाके में इनकी बहुत चर्चा है ना, तो बहुत प्यार करते हैं इनको, तो इसलिए हम आज इनका स्केच बना रहे हैं। तो स्केच बनाने के लिए सबसे पहले हमने इनकी एक गूगल से फ़ोटो निकाली, उनको सामने रखा और डायरेक्टली ड्रॉ करने शुरू कर दिया। कोई मेज़रमेंट नहीं। अगर आप भी ऐसे ड्रॉ करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना, हम इसका ट्यूटोरियल बनाएंगे भी, डायरेक्ट लाइव स्केच कैसे बनाते हैं। कई लोग क्या करते हैं भी, उसकी जो बॉक्सेस वगैरह बनाते हैं पहले इमेज के ऊपर, फिर बॉक्स बनाते हैं पेपर के ऊपर, फिर उसमें नंबरिंग करके देखते हैं कौन सी चीज़ किस बॉक्स में बनी है। तो हम वो वाला जुगाड़ नहीं करते, वो बच्चों वाला काम है जी, बॉक्स बनाओ पहले फिर उसमें ड्रॉ करो। तो जो डायरेक्ट बनाने का मज़ा अलग ही है। तो अगर आप भी ऐसा सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हम इसका ट्यूटोरियल बनाएंगे। इसमें कुछ नहीं होता, ज़्यादा इमेजिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। अभी आप कैसे ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले मैंने उनका एक जो फेस स्ट्रक्चर होता है उसको ऑब्जर्व किया, उनका जो दुमाला है, जो सिर पे पगड़ी है, उसको ऑब्जर्व किया। उसको ड्रॉ करते करते मैंने आइज़ ड्रॉ कर ली, साथ ही साथ मैं शेडिंग करने भी अच्छा समझा अभी, चलो साथ साथ शेडिंग करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जब साथ में आप शेडिंग करते चलते हैं तो आपकी जो ऑब्ज़र्व करने की शक्ति थोड़ा कम लगती है, तो स्केच थोड़ा आसानी से बन जाता है। नहीं तो आप पहले ऑब्ज़र्व भी करते रहते हैं भी क्या कहाँ कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी। तो मैंने आँखों पहले दुमाला स्टार्ट किया, फिर मैंने आँखें बनाई। आँखें बनाने के बाद मैं धीरे धीरे नीचे नोज़ बनाने लग गया। तो नोज़ बनाने में थोड़ा दिक्कत होती है, जब भी आप स्केच बनाएंगे ना थोड़ा 3x4 का, तो थोड़ा सा नाक बनाने में दिक्कत होती है। दिक्कत थोड़ी होती है जब आप थोड़ा प्रोफेशनली हो जाते हैं, तो कोई भी चीज़ दिक्कत नहीं करती, पर थोड़ा थोड़ा कई चीज़ें होती हैं कि थोड़ा सा भी अगर टेढ़ा नाक बन गया तो थोड़ा जो पहले का ऊपर का पोर्शन है वो भी सारे का सारा सत्यानाश हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है। तो साथ ही साथ मैं शेडिंग कर रहा था कि चलो साथ साथ मुझे पता चल जाए कौन सी चीज़ कहाँ बन रही है। तो यहाँ से मुझे थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, यहाँ देखिए ये मैंने नोज़ पहले यहाँ लाइन ड्रा की थी फिर मैंने वहाँ कर दी। तो ऐसे नहीं करना आपको, ये तो मैं ऐसे ही डायरेक्टली बना रहा था, साथ साथ मैं हैचिंग भी कर रहा था। तो जैसे प्लेन फेस होता है ना, जो एक प्लेन फेस होता है वो बनाना बहुत आसान है, जो दाढ़ी मूछ वाला फेस होता है ना उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, वो भी वाइट वाला जो ओल्ड मैन होता है उनकी जो बियर्ड होती है वो वाइट होती है, तो उसमें बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो इसको दिखाने के लिए एक टेक्निक है जो हम कंट्रास्ट का यूज़ करते हैं। कंट्रास्ट मीन ब्लैक एंड वाइट, जो हमें एकदम से चीज़ निकल के आती है वो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो दुमाला है उसको डार्क कर देंगे, तो इससे क्या होगा फेस भी हाईलाइट हो जाएगा और जो बियर्ड हमारी वाइट है वो भी हाईलाइट हो जाएगी। अगर हम दुमाले को लाइट रखेंगे तो वो इक्वल बैलेंस नहीं होगा, तो हम जहाँ जहाँ ब्लैक वाला पार्ट है वहाँ वहाँ हम ज़्यादा ब्लैक करेंगे। तो पहले तो मैं ऐसे ही बियर्ड बना रहा था, अभी चलो ठीक है वाइट वाइट बना देते हैं। ठीक है, तो अब इसको मैं आगे बताऊंगा इसका क्या करना है। पहले हमने ये बीड बना दी, तो साइड में जो हमारा जो गले में उन्होंने परना पहन रखा है, तो जो उनकी शर्ट है उसको हम ब्लैक कर देंगे। ज़्यादा ब्लैक कर देंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारी बीड है दोनों साइड ब्लैक करेंगे तो बीड है वो अपने आप ही उभर के बाहर आ जाएगी। देखो आप ऑटोमेटिक ही लग रहा है अभी वो वाइट दाढ़ी है, वाइट बियर्ड है। तो ये देखो मैं और ब्लैक कर रहा हूँ ताकि जो वो ऐसा प्रतीत होए कि वो बियर्ड उनकी वाइट है। थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था फेस में भी कुछ शेडिंग करने की ज़रूरत है तो मैं वहाँ वहाँ कर रहा था। तो ये हमारा स्केच बन के तैयार हो गया है। कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताना अभी आपको ये स्केच कैसा लगा। हैचिंग सीखना है, कुछ भी चीज़ सीखनी है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये हमारा स्केच रेडी हो गया है। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ इस स्केच को भी शेयर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।